बड़ी रैली होने वाली है जो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए वोट की अपील वो करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा बीजेपी के भी कई नेता इसमें शिरकत करेंगे। राम मंदिर बनाने में सीएम योगी का अहम योगदान है, अशोक तंवर की ओर से बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि 20 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा में आएंगे और यहाँ वो एक बड़ी रैली करेंगे। हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता इस रैली में शिरकत करेंगे। राम मंदिर बनाने में योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान है, अशोक तंवर की ओर से इस क्रम में ये बयान भी दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब हरियाणा आएंगे, हरियाणा में उनकी रैली होगी, एक बड़ी रैली का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा। 20 मई को सिरसा में एक बड़ी रैली उनकी होने वाली है। 20 मई को तमाम बीजेपी को जो नेता है उनका जमावड़ा हरियाणा में लगेगा। और आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के भी कई बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। राम मंदिर बनाने में योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान रहा है, ये बात अशोक तंवर की ओर से कही गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो तमाम हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा इस दौरान लगेगा। 20 मई को सिरसा में एक बड़ी रैली होगी। इसी रैली के दौरान हरियाणा में हुंकार भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बीजेपी का एक बड़ा चेहरा और काफी लोकप्रिय चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, इसी को देखते हुए हरियाणा की रण में अब सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा जाएगा और उनकी रैली 20 मई को होगी। सिरसा में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर उनके समर्थन में यहां लोगों से वोट सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सेंट्रल लीडरशिप है हमारी, उसके प्रोग्राम होंगे, जो देश के बड़े नेता हैं उनका भी उसी कड़ी में 20 तारीख का कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और सब लोग आतुर हैं और पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र में हमारी पूरी टीम है जो पीछे से व्यवस्थाएं देख रही है, वो उसका जगह भी निर्धारित करेगी और भव्य और उनका जबरदस्त स्वागत सिरसा के लोग करेंगे। देखिए जो लोग हैं मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उपयुक्त समय पर टिप्पणी करेंगे। नेतृत्व तो आज पूरा जो है लोगों का विश्वास खो चुका है, लोगों ने बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया है और 2024 के अंदर फिर वैसे इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व को रिजेक्ट करके मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट पार होंगी।